माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने का तरीका सीखें। स्टार्ट बटन पे चले जाइए, वहाँ पे ये वर्ड दिखेगा, इसको खोल लीजिए। एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन आएगा, ये खोल लीजिए। इसमें कुछ भी लिख दीजिए और इसको फिर सेव कर लीजिए। सेव एज करके जहाँ आप सेव करना चाहते हैं, मान लो मैं ब्राउज करके डाउनलोड्स में सेव कर देती हूँ और इसका नाम रख देती हूँ एन। ये हो गया मेरा सेव डॉक्यूमेंट। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। फिर जब मैं यहाँ पर जाऊँगी डाउनलोड्स में, मुझे ये डॉक्यूमेंट एन दिख जाएगा। इस तरीके से आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना लिया।